काजल राघवानी, जो कि आजकल खेसारी लाल यादव के साथ फिल्मों में नहीं दिखाई दे रही हैं, और उनके साथ उनकी सिर्फ एक ही फिल्म आने वाली है, वो भी है बलमुआ कैसे तेजब। यानी कि इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों मुंबई में हो भले रही है, लेकिन उस शूटिंग में काजल राघवानी नदारद हैं। भाई क्या हो गया है ऐसा खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच, जो कि खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी के साथ हर रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। तो भाई आपको बता दें, ये किसी का भी पर्सनल मैटर होता है, वो किसके साथ काम करे नहीं करे, किसी के साथ काम करे या ना करे, काजल राघवानी करियर के उस मुकाम पर हैं जहाँ वो अपने दम से पिक्चरें हिट करा सकती हैं, और काजल राघवानी के लिए एक मुकाम तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बन गया है। लेकिन काजल राघवानी को जानने वाले और खेसारी के फैंस वो कह रहे हैं कि बगैर खेसारी के काजल राघवानी कुछ नहीं है। इनके अलगाव की वजह बताई जा रहा है कोई तो वो कोई और नहीं पवन सिंह है। अगर सूत्रों की माने तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, हम आपको जो कह रहे हैं, इनके अलगाव की वजह पवन सिंह बिल्कुल नहीं है। ऐसी रूमर स्प्रेड की जा रही है कि पवन सिंह के साथ इन दिनों काजल राघवानी बैक टू बैक फिल्में कर रही हैं, फिर वो चाहे किसी फिल्म में एक छोटा सा नंबर करना हो, या फिर उनके साथ लाइव आना हो, या फिर उनके साथ एक पूरी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म करनी हो। तो भाई आजकल काजल राघवानी पवन सिंह के साथ साए की तरह हैं। इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि काजल राघवानी अब भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी को छोड़ और भी हीरोज़ के साथ फिल्म करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि वो वर्सटाइल एक्टरों में गिनी जाए। ये नहीं कि उनके लिए सिर्फ ये कहा जाए कि वो फलाना एक्टर के साथ ही हिट हो सकती हैं और किसी के साथ नहीं। ऐसा कहना खुद काजल राघवानी का है, इसलिए वो चाह रही हैं कि इस वक्त जितनी भी फिल्में किसी और हीरो के साथ उनकी आए, वो फिल्में ही वो करें, न कि स्पेशली खेसारी के साथ। वैसे भी खेसारी के साथ इस साल उनकी सिर्फ एक फिल्म आ रही है। वैसे बताया जा रहा है कि पवन पुत्र में आखिरी मौके पर पवन सिंह के सिफारिश से ही उन्हें उस फिल्म में एक गाना दिया गया, जबकि उस फिल्म में उस गाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी आजकल खेसारी और अक्षरा जहाँ भी जाते हैं समा बांधते हैं। वैसे भी अक्षरा और काजल एक दूसरे को फूटी आँख नहीं पसंद करते। इन दोनों के बीच के वजह में दूसरी बड़ी वजह आई है कि खेसारी का अक्षरा के तरफ ज़्यादा झुकाव। लेकिन अगर सोर्सेस की माने तो ये खबर भी 100% झूठी है, क्योंकि खुद अक्षरा का एक मुकाम भोजपुरी इंडस्ट्री में बन गया है। उन्हें किसी पवन खेसारी और निरहुआ की ज़रूरत नहीं है कि वो आगे आकर फिल्मों के लिए किसी के साथ इस तरह का काम करे। वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कब कौन कैसे किस फिल्म में होगा, भोजपुरी के ये तीनों एक्टर ही डिसाइड करते हैं। वैसे जानने वाले तो बस यही कह रहे हैं कि काजल राघवानी, जो कि आजकल खेसारी का खेमा छोड़ पवन के खेमे में हुई है, यही सारी चीजें कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को चुभी हैं। अब तक रिकॉर्ड रहा है कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी दोनों एक साथ लाइव आए हैं। ये पहली बार हुआ है जब पवन सिंह और काजल राघवानी पहली बार लाइव आए हों। इससे पहले पवन सिंह हमेशा अक्षरा सिंह के साथ या फिर अकेले लाइव आते थे। लेकिन चाहे जो भी हो, हम ये कहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हर हीरोइनों को अपने कई हीरोज़ के साथ काम करना चाहिए, जैसे बॉलीवुड में होता है। फ्रेश पेयर भी दिखेगा, लोगों को अच्छी अच्छी फिल्में भी देखने को मिलेंगी, लोग नए नए पेयर्स के साथ फिल्मों को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलिए।